एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह अकेला फ्रिज वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त हो चुका था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस तो नहीं गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे के बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो वह व्यक्ति भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रिज रूम में खटखट की आवाज हुई, दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने से आते जाते हैं, मैं देखता हूं, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखानों में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम जरूर करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यही गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे। आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। दोस्तों, मीठे बोल बोलो, सवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। तो दोस्तों, जब भी किसी से बात करें सदैव प्रसन्नता विनम्रता पूर्वक बात करें, चाहे कोई आपसे पद में छोटा हो या बड़ा हो, बिना भेदभाव के सबसे एक ही तरह प्रेम पूर्वक बात करें। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।